आज हम बनाने वाले हैं एकदम रुएदार और मलाईदार कुल्फ़ी, बिना साँचे के भी और साँचे के भी। मतलब अगर आपके पास साँचा नहीं है तो भी एक बहुत आसान तरीका है जिससे आप कुल्फ़ी बना सकते हैं, और खैर साँचे के साथ तो आप बना ही सकते हैं। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। स्वादिष्ट मलाईदार कुल्फ़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन में आधा लीटर फुल फैट मिल्क, यानी कि जो भैंस का दूध होता है, उसे लिया है। आप पैकेट का दूध लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि नॉर्मल दूध की एफिशिएंसी हर जगह की अलग होती है। इसे मैंने चलाने के लिए हाई फ्लेम पर एक गैस स्टोव पर रखा है, और जैसे ही मैं इसे चलाती हूँ, लगभग 2 मिनट या 3 मिनट के बाद जब दूध थोड़ा गर्म हो जाता है, मैंने इसके अंदर आधा कप शक्कर डाली है। यहाँ मैंने मोटी शक्कर इसमें डाली है और इसे मैंने कंटिन्यूसली चला लिया है। 4 से 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये दूध में उबाल आ जाता है, और जैसे ही दूध में उबाल आता है, हम वापस से दूध को अच्छे से चला लेते हैं और फ्लेम को मीडियम पे ले आते हैं। अब जब दूध मीडियम फ्लेम पर उकल ही रहा है, तब हमने आधा कप बाहर से भैंस का दूध लिया है, और इसके अंदर मैंने डाला है 1.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। और ये जो दूध हमने लिया था, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ही लिया है, और कस्टर्ड पाउडर को इसमें अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। ये देखिए, अच्छे से मिक्स होने पर इसे हमने दूध में डाल दिया है, और दूध को फिर से हमने अच्छे से एक बार चला लिया है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने 1/4 टीस्पून फिटकरी को अच्छे से बारीक पाउडर बनाकर इसके अंदर डाला है। यह हम इसलिए डालते हैं क्योंकि फिटकरी जैसे ही दूध में पड़ती है, दूध को थोड़ा सा फाड़ देती है, जिससे दूध रवा रवा हो जाता है और इसकी कुल्फ़ी बहुत अच्छी लगती है। अब इसके बाद तुरंत ही मैंने इसके अंदर और अच्छा क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए आधा कप घर की एकदम फ्रेश फेटी हुई मलाई डाली है, और इसे डालने के बाद दूध को अच्छे से चला लिया है। तो दूध फिटकरी और मलाई दोनों के ही कारण गाढ़ा होगा और रवेदार होगा। अब तुरंत ही इसके बाद मैंने इसके अंदर 1/3 कप अच्छे से किसा हुआ मावा डाला है। मावा को हमेशा किसकर ही डालें, इसे डालने से दूध का टेक्सचर और ज़्यादा क्रीमी हो जाता है। इसे भी हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके बाद 10 से 11 हमने सैफ्रन के धागे या लच्छे इस दूध के अंदर थोड़ा सा मिल्क मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया है, और उसके बाद 1 चम्मच से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसके बाद मीडियम फ्लेम पर ही मैंने दूध को अच्छे से 5 मिनट के लिए और उकलने दिया है, जिससे हमारा दूध और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी हो जाता है। इसके बाद फ्लेम को बंद करेंगे और जो दूध का मिक्सचर हमने बनाया है, इसे ठंडा होने देंगे। तो देखिए, कुछ 15 मिनट बाद ये दूध ठंडा हो चुका है। तो इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जितना बहुत अच्छे से बारीक किया हुआ पिस्ता डाला है, और साथ ही थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची का पाउडर भी डाला है, और इसे मिक्स कर अलग रख दिया है। जो मार्केट में कुल्फ़ी मिलती है ठेलों पर, उसे बनाने के लिए यहाँ मैंने एक गिलास में आधा इसे दाल से भर दिया है और अलग रखा है। इसके बाद आप कोई भी एल्युमिनियम फॉइल ले सकते हैं और उसे रेक्टेंगल काट सकते हैं, और उसके बाद उसका एक कोन बना लीजिए जिस तरीके से दिखाया गया है। और इस तरीके से मैंने टोटल 2 कोन बना के रखे हैं, और इसे खड़ा रखने के लिए मैंने दाल के जो हमारा ग्लास था उसके अंदर इसे दबा दिया है ताकि ये खड़ा रह सके। तो इस तरीके से मैंने ऐसे 2 एल्युमिनियम फॉइल के कोन दाल के कंटेनर में रख दिए हैं। इन दोनों ही एल्युमिनियम फॉइल को हमने दूध से भर दिया है। ध्यान रखें कि इनकी टिप बंद होनी चाहिए। इसके बाद ये जो सेटअप है, इसे हमने फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए और जमने के लिए 8 से 9 घंटे के लिए रख दिया है। इसी को आप किसी तरीके से पॉप्सिकल स्टैंड में भी डाल सकते हैं, जिस तरीके से बताया गया है। ये कुल्फ़ी के साँचे मार्केट में मिलते हैं, आप इन्हें पूरा दूध से भर दीजिए और उसके ऊपर इनकी स्टिक लगा दीजिए, और फिर इसे भी अच्छे से ठंडा होने के लिए और जमने के लिए 7 से 8 घंटे तक फ्रीज़र में रख दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। पॉप्सिकल स्टैंड में से, कुल्फ़ी के साँचों में से कुल्फ़ी निकालने के लिए आप पहले इन्हें पानी में थोड़ा सा डिप कर सकते हैं, और फिर इन्हें धीरे से बाहर निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी और कितनी सुंदर पॉप्सिकल बनकर तैयार है। ऐसा हम सभी पॉप्सिकल या सभी कुल्फ़ी के साँचों के साथ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी मलाईदार और एकदम रबड़ी जैसी कुल्फ़ी बनकर तैयार है, जो स्वाद में बहुत अच्छी लगती है, मार्केट की कुल्फ़ी को भी अच्छे से पीछे छोड़ देगी। 7 से 8 घंटे के बाद जो हमने एल्युमिनियम फॉइल के अंदर कुल्फ़ी जमाई थी, इसे भी बाहर निकाल लेंगे। और इसे निकालने के बाद एक जो हमारा ये कोन है, इसे मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ।
एक बात इसमें बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जब ये 2 या 3 घंटे के बाद हल्की सी जमनी चालू हुई थी तब मैंने इसके अंदर एक काढ़ी डाल दी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, जब जमती है तो ये बिल्कुल मार्केट की जो ठेलों पर मिलती है कुल्फ़ी वैसी दिखती है और ये खाने में बहुत जायकेदार है। ऐसे ही मैंने दूसरी एल्युमिनियम फॉइल के कोन के साथ किया है तो ये भी तैयार है हमारी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये दोनों ही तरीके आप ट्राई करें घर में, आपकी कुल्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत रुएदार और मलाईदार बनेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने फीडबैक भी हमारे साथ शेयर करें। हम उसे बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत सीरियसली लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।